निषाद राज गुहा की जयंती के अवसर पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रुस्तमपुर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आरती उतारी, जिसके संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि पार्टी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामचंद्र जी के आत्म बाल सखा महाराजा गुहाराज निषाद की जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को बड़े धूमधाम से निषाद राज मंदिर रुस्तम मिर्जापुर में मनाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद मोटरसाइकिल जुलूस निकाला जा रहा है, जो कि बसों और गाड़ियों से मोटरसाइकिल से जुलूस की शक्ल में हाईवे मार्ग से राजघाट, सहजनवा, संत कबीर नगर, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रयागराज, सोराव होते हुए 17 तारीख को सुबह श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचेंगे। वहां निषाद राज और प्रभु श्री राम के गले मिलते हुए 180 फुट की मूर्ति का शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद, क्षेत्रीय अध्यक्ष बाबू राम निषाद, व्यास मुनि, कृष्णा निषाद, दिलीप मिश्रा, शंभू निषाद, राकेश निषाद, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गुंजा निषाद, आरती निषाद, मालती देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, आरती की जननी साध राज की, आरती की जननी महाराज की, तीर कमान विराज रैली नहीं है, रैला है। ये निषाद राज के किले पर जा रहा है और श्रृंगवेरपुर धाम पर है, जहाँ कभी राम अयोध्या से गए, उनके पास कोई सेना नहीं थी, अकेले गए थे और निषाद राज की सेना से श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। और निषाद राज और राम जब गले मिले थे तो धरती पर शांति आई थी। अभी दुनिया में बड़ी अशांति है, इसीलिए निषाद राज के किले पर हम लोग उनकी जो चैत्र शुक्ल पंचमी को जन्म हुआ था, राम से 4 दिन बड़े थे, तो वहाँ जयंती मनाई जाती है। 13 जनवरी 2013 से संकल्प लिया है, तो इनको वहाँ संकल्प दिलाने के लिए बुलाया जा रहा है। अब मोटर्स के ऐतिहासिक रैली है कि पूरे के पूरे 350 किलोमीटर हम खुद और अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से यात्रा करेंगे और सभी अभी जुड़ते जाएंगे और जगह जगह हमारे लोग स्वागत करेंगे और पूरे प्रदेश भर में हर जिलों में आज जयंती मनाई जा रही है। आज 12 बजे से लेकर कल 12 बजे तक है, पंचमी है, तो कल वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं संकल्प लेने के लिए कि जिस तरीके से राम और निषाद राज मिल के श्रीलंका पर जब प्राप्त किया था, वही सेना इकट्ठा होकर वहाँ इकट्ठी हो रही है कि फिर धरती पर उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता लाने के लिए वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग मोटरसाइकिल से इस बार हम लोग यहाँ से संत कबीर नगर, फिर बस्ती होकर फैजाबाद होकर हम लोग सुल्तानपुर होते हुए इलाहाबाद श्रृंगवेरपुर धाम है गंगा के किनारे, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे रात में। अब कल वहाँ
5 किलोमीटर का पदयात्रा भी है। तो ये आज हम लोग बाइक रैली से निकले हैं, पूरे प्रदेश के हर जिलों से लोग बाइक रैली लेके आ रहे हैं कि भैया हम लोग तो कभी राजा थे, अब गरीब हो गए हैं, और फिर ये जो बसों में भीड़ है, कैसे आएंगे, ट्रेन बंद है, अब ये सारे कुछ है। तो ये हुआ कि जो साधन संसाधन उसी से चला जाए, इससे हम लोग कोरोना से बच भी जाएंगे और दूरी भी रहेगी, आराम से वहाँ पहुँच भी जाएंगे।